हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश हाफ एयरली सैंपल पेपर वर्कशीट फॉर क्लास वन किड्स अगर आपके बच्चे क्लास वन में हैं और जैसे कि उनके हाफ एयरली एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं तो आज की वर्कशीट में हम इंग्लिश के सैंपल पेपर देखने जा रहे हैं जिससे कि आप बच्चों को हाफ एयरली के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं वीडियो को पूरा एंड तक देखें वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन सर्कल द मेल वर्ड्स एंड फीमेल वर्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं एक मेल जेंडर को हम बॉय कहते हैं तो ये मेल जेंडर है मेल वर्ड है तो इसे हमें क्या करना है इसे सर्कल करना है सेम वे टाइगर टाइगर भी एक मेल जेंडर है मेल वर्ड है इसे भी सर्कल करेंगे Woman, woman क्या है फीमेल वर्ड है यानी कि फीमेल जेंडर है तो इसे क्या करना है अंडरलाइन उसी तरह से नेफ्यू नेफ्यू किसको बोलते, है? हम बोलते हैं भतीजे को तो भतीजा जब होता है तो वो मेल वर्ड हो गया तो मेल वर्ड को क्या करना है हमें सर्कल उसी तरह से आंट फीमेल वर्ड है तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे अंकल अगेन मेल वर्ड है इसे सर्कल करना है प्रिंसेस प्रिंसेस क्या है फीमेल वर्ड यानी कि फीमेल जेंडर है तो इसे अंडरलाइन करना है टाइग्रेस टाइगर मेल वर्ड एड और उसका फीमेल वर्ड क्या हो गया टाइगर तो ये हो गया फीमेल वर्ड तो इसे अंडरलाइन करना है नीस नीस हम बोलते हैं भांजी को तो भांजी क्या हो गया फीमेल वर्ड तो इसे भी हमें अंडरलाइन करना है उसी तरह से प्रिंस प्रिंस हो गया मेल वर्ड तो इसे करना है सर्कल फादर अगेन मेल वर्ड है इसे भी सर्कल करेंगे मैन भी मेल वर्ड है सर्कल करना है मदर मदर क्या है फीमेल जेंडर यानी कि फीमेल वर्ड तो इसे अंडरलाइन करेंगे गर्ल भी फीमेल वर्ड है इसे भी अंडरलाइन करेंगे एक्टर मेल जेंडर है यानी कि इसे सर्कल करना है और सिस्टर फीमेल जेंडर है इसे अंडरलाइन करना है तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को दिए जाते हैं मेल और फीमेल वर्ड से रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं इज द द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन इन द ब्लैंक्स यहाँ पे बच्चों को कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं बच्चे को करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन बच्चे को दिए गए ऑप्शन में से चूज करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है जैसे पहला देखते हैं ही इज ईटिंग लिखा है बनाना और यहाँ है बनानस तो यहाँ पे क्या आएगा बनाना आएगा या बनानस तो ये बच्चे कैसे फाइन कर सकते हैं जैसे यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा बनाना ही इज ईटिंग अ बनाना तो यहाँ पे हो जाएगा बनाना इस तरह से बच्चे को समझना है उसी तरह से नेक्स्ट है देर आर थ्री डैश बॉक्स या फिर बॉक्सेस तो अगेन यहाँ पे देखिये यहाँ पे आर यूज हो रहा है यानी कि एक से ज्यादा बॉक्सेस की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा बॉक्सेस तो यहाँ पे लिखना है बॉक्सेस सेम वे पे है नेक्स्ट क्वेश्चन अ हैज डैश लेग या लेग्स और है, तो एक की बात हो रही है तो उसके फोर लेग्स होते हैं यानी एक से ज्यादा लेग है तो लेग्स बोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा लेग्स उसी तरह से नेक्स्ट है शी इज ईटिंग अ डैश केक और केक्स यहाँ पे क्या आएगा शी इज ईटिंग अ Cake. उसी तरह से नेक्स्ट है देर इज ओनली वन डैश इन द रूम तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है चेयर चेयर तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे बोला जा रहा है देर इज ओनली वन तो यहाँ पे वन यानी एक की किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा चेयर देर इज ओनली वन चेयर

इस तरह से सेम वे नेक्स्ट वर्ड है वॉटर तो वॉटर से रिलेटेड बच्चों को सेंटेंस बनाना है जैसे बच्चे क्या लिख सकते हैं वी कैन नॉट लिव विदाउट वॉटर तो इस तरह से बच्चे सेंटेंस लिख सकते हैं सेम वे नेक्स्ट वर्ड है फ्लावर तो फ्लावर से क्या लिख सकते हैं बच्चे जैसे माय फेवरेट फ्लावर इज रोज कुछ इस तरह से बच्चों को सेंटेंस बनाते हुए जो भी वर्ड दिए गए उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है इज द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप पे बच्चों को बच्चों को 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 कुछ सेंटेंसेस सेंटेंसेस दिए गए हैं इन पढ़ना है और वो सेंटेंस अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सेंटेंस में तो बच्चों को एट द एंड क्वेश्चन मार्क का पंचुएशन देना है उसी तरह से अगर बच्चों को वो सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है तो वहां पे बच्चों को फुल स्टॉप देते हुए उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो इस तरह के पंचुएशन मार्क्स

कैन यू प्ले विथ मी तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क उसी तरह से नेक्स्ट है डू यू हैव अ डॉग अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे अगेन का आएगा क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट है आई लाइक द कलर रेड अगेन ये नॉर्मल सेंटेंस है तो यहाँ पे कौन सा पंचुएशन मारेगा पंचुएशन मार्क आएगा फुल स्टॉप तो इस तरह से आप बच्चों को पंचुएशन मार्क से रिलेटेड भी वर्कशीट देते हुए उन्हें प्रैक्टिस जरूर कर। ही इज द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ए एन और द फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए जो की फिलिंग द ब्लैक्स वे में है अब यहाँ पे बच्चों को समझना है कि कौन सा आर्टिकल जैसे ए एन या द में से कौन सा आर्टिकल हर सेंटेंस के साथ फिट होगा उसे बच्चों को दिए गए जगह में लिखना है जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ लिखा आई एट डैश एपल तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा तो यहाँ पे बच्चों को यहाँ देखना है यहाँ पे एप्पल की बात हो रही है और एप्पल का स्टार्टिंग लेटर है वो ए है यानी कि ए क्या है वावल है तो वावल के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं एन तो यहाँ यूज होगा एन आई एट एन एप्पल सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन करण इज रीडिंग डैश बुक सो यहाँ पे देखिए करण इज रीडिंग यहाँ पे बुक लिखा है तो बुक बी से स्टार्ट होता है और बी क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या यूज होता है कौन सा आर्टिकल ए तो ये हो जाएगा करण इज रीडिंग अ बुक उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गंगा इज अ होली रिवर यहाँ पे गंगा की बात हो रही है तो यहाँ पे गंगा में गंगा क्या है एक रिवर है जो कि एक स्पेसिफिक रिवर के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या यूज होगा द, द द हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी स्पेसिफिक थिंग या कोई यूनिक थिंग के बारे में बात कर रहे हो तो जैसे यहाँ पे गंगा क्या है एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में यानी कि स्पेसिफिक रिवर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां आएगा द गंगा इज अ होली रिवर उसी तरह से नेक्स्ट है वी कैन सी डैश स्टार्स एट नाइट सो यहां पे देखिए वी कैन सी यहां पे अगेन यहाँ पे स्टार्स लिखा है तो स्टार्स क्या है यूनिक थिंग है सो वी कैन सी द स्टार्स यहाँ पे अगेन द आएगा वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट स्टार्स यूनिक थिंग है तो यहां पे द का यूज होगा उसी तरह से नेक्स्ट है दिस इज डैश बॉक्स यहाँ पे बी से बॉक्स स्टार्ट होता है ये कॉन्सोनेंट है तो यहां पे आएगा ए दिस इज अ बॉक्स उसी तरह से नेक्स्ट है डैश अर्थ इज राउंड इन शेप यहाँ पे अगेन अर्थ क्या है एक प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक प्लैनेट के बारे में तो यहां यूज हो जाएगा द

तो यहां लिखेंगे ए ए वावल है सो एस टी ए आर बिकम स्टार उसी तरह से दिस इज अ लीफ तो यहां पे लीफ की फुल स्पेलिंग नहीं लिखी है तो लीफ में कौन से वावल्स मिसिंग है यहाँ पे एल ई ए एफ लीफ इसी तरह से ये है ड्रम तो यहां आ जाएगा डी आर यू एम ड्रम सेम वे ये क्या है ये है एक प्लेन तो यहाँ पे प्लेन की फुल स्पेलिंग नहीं लिखी है इसमें वावल्स मिसिंग है तो बच्चों को इसे फिल करना है जैसे पी एल ए एन ई प्लेन उसी तरह से ये काइट सो के आई टीट से जैसे टी डबल तो इस तरह से बच्चों को मिसिंग वावल से रिलेटेड भी कुछ वर्कशीट यानी कि कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं ही इर्ज द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द वर्ड गिवेन इन द सर्कल कलर द कॉमन नाउन इन ब्लू एंड प्रॉपर नाउन इन ग्रीन तो बच्चों को यहाँ पे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्लास वन में पढ़ाया जाता है तो उससे ही रिलेटेड ये वर्कशीट दी गई है यहाँ पे बच्चों को सर्कल्स में कई सारे वर्ड्स लिखे गए हैं अब बच्चों को इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन हो तो उन वाले उन सारे वर्ड्स को बच्चों को ब्लू से कलर करना है और जो भी वर्ड्स प्रॉपर नाउन के अंडर में आते हैं उन्हें बच्चों को ग्रीन से करते हुए कलर इस वर्कशीट को कम्प्लीट करना है जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडी तो कैंडी क्या है प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन तो कैंडी है प्रॉपर कॉमन नाउन तो इसे हमें ब्लू से कलर करना है सेम वे ये है सैमसंग तो सैमसंग एक मोबाइल पर्टिकुलर मोबाइल का नाम है तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन तो इसे हमें ग्रीन से कलर करना है उसी तरह से किटकट किटकेट एक चॉकलेट का नेम है एक स्पेसिफिक चॉकलेट का नेम है तो इसे भी हमें ग्रीन से कलर करना है क्योंकि ये है प्रॉपर नाम उसी तरह से सोप सोप एक कॉमन नाउन है हम यहाँ पे नाम नहीं बता रहे हैं किसी सोप का तो ये सोप क्या है कॉमन नाउन है तो इसे किसे कलर करेंगे ब्लू से उसी तरह से मिल्क अगेन मिल्क यहाँ पे किस ब्रांड का मिल्क है स्पेसिफिक मिल्क के बारे में बात नहीं हो रही है तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन तो इसे भी ब्लू से कलर करना है बच्चों को यहाँ पे फोन लिखा है तो फोन किस तरह का फोन है ये हमें नहीं पता तो यहाँ पे बच्चों को इसे ब्लू से कलर करना है क्योंकि ये है कॉमन नाउन उसी तरह से यहाँ लिखा है एबी एबी या तो बॉय या गर्ल का नेम हो सकता है स्पेसिफिक बॉय या गर्ल का नेम हो रहा है तो ये यह यहाँ पे प्रॉपर नाउन है तो इसे किससे कलर करेंगे ग्रीन से उसी तरह से यहाँ लिखा है इंग्लैंड इंग्लैंड एक स्पेसिफिक कंट्री का नेम है तो ये क्या है ये है प्रॉपर नाउन तो इसे बच्चे को ग्रीन से कलर करना है यहाँ लिखा है माउस तो माउस एक कॉमन नाउन है किस तरह का माउस है हमें नहीं पता तो ये हो गया कॉमन नाउन तो इसे ब्लू से कलर करेंगे उसी तरह से टीचर अगेन ये भी प्रॉपर कॉमन नाउन है तो इसे भी हमें ब्लू से कलर करना है गर्ल अगेन कॉमन नाउन है तो इसे भी ब्लू से कलर करना है क्योंकि यहाँ पे किस तरह की गर्ल या उनका नेम नहीं लिखा गया है यहाँ पे सिर्फ गर्ल बोला गया है तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा सेम वे एप्पल तो एप्पल इज अगेन अ कॉमन नाउन तो इसे भी ब्लू से कलर करना है तो इस तरह से बच्चों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड वर्कशीट दी जाती है समझते हुए बच्चों को इस वर्कशीट को कम्प्लीट करना है ही इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वाइन द वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड यहाँ पे बच्चों को एक साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और सेम वे अदर साइड में भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे बच्चों को एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को ज्वाइन करना है जिससे कि एक न्यू वर्ड फॉर्म हो तो ये एक कम्पाउंड वर्ड से रिलेटेड वर्कशीट दी गई है जैसे यहाँ लिखा है ग्रैंड तो ग्रैंड के साथ यहाँ पे दूसरे साइड से हम कौन सा ऐसा वर्ड यूज करेंगे या उसे ज्वाइन करेंगे जिससे कि एक न्यू वर्ड फॉर्म होगा वो बच्चों को समझना है जैसे ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इट इत बिकम्स अ न्यू वर्ड ग्रैंड मदर तो इससे बच्चे को मैच करना है उसी तरह से यहाँ पे है हनी हनी के साथ कौन सा हम वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे हनी बी सो so, हनी के साथ अगर हम बी को ज्वाइन करेंगे सो इट बिकम्स हनी बी सेम वे यहाँ लिखा है सन तो यहाँ सन के साथ जाएगा शाइन सो सन शाइन बिकम्स सन शाइन उसी तरह से ये है फुट सो फुट के साथ हो जाएगा बॉल सो इट बिकम्स फुट बॉल उसी तरह से यहाँ पे है वॉटर सो वॉटर के साथ अगर हम मेलन को ज्वाइन करते हैं सो इट बिकम्स वाटर मेलन उसी तरह से यहाँ लिखा है कैट कैट के साथ अगर हम फिश को मैच करते हैं सो इट बिकम्स कैट फिश इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कलर द करेक्ट वर्ब यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और सर्कल्स में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं जैसे एम आर इज तो इसमें से कौन सा सेंटेंस के साथ करेक्टली वर्ब फिट होगा उस वाले वर्ब को उस वाले सर्कल को बच्चे को, को कलर करना है जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ लिखा है इट एम आर और इज अ ब्यूटिफुल डे तो यहाँ पे क्या यूज होगा जब भी हम इट यूज करते हैं तो उसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है इज सो इट बिकम्स इट इज अ ब्यूटिफुल डे तो इज वाले सर्कल को हमें कलर करना है उसी तरह से नेक्स्ट है शी एम आर इज अ डॉक्टर सो शी जब यूज करते हैं तो अगेन हमें का यूज करना है सो शी इज अ डॉक्टर उसी तरह से नेक्स्ट है वी एम आर इज बॉर्न टू विन तो जब हम वी यूज करते हैं तो कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं आर सो इट बिकम्स वी आर बॉर्न टू विन सो आर को बच्चे को कलर करना है उसी तरह से नेक्स्ट है आई एम आर इज अवीन तो आई के साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज होता है एम तो एम को कलर करेंगे तो इट बिकम्स आई एम अ क्वीन नेक्स्ट ही एम आर इज एंग्री जब हम ही का यूज करते हैं तो कौन सा वर्ब यूज करते हैं हमेशा इज तो इसको कलर करना है तो इट बिकम्स ही है इज वर्क तो, तो यहाँ पे इसको कलर करेंगे एंड इट बिकम्स इट इज अ डिफिकल्ट गेम नेक्स्ट दे ऑल एम आर इज क्रेजी तो दे जब हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो दे वाले प्रोनाउन के साथ हम किसको यूज करेंगे आर सो दे और आर क्रेजी तो आर को कलर करना है ही इर्ज द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम्स टू कम्प्लीट द सेंटेंसेज यहाँ पे बच्चों को एक साइड में कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस दिए गए हैं सेम वे अदर कॉलम में भी कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं बच्चों को समझना है और कौन सा वर्ड या सेंटेंस अदर साइड के कॉलम के सेंटेंस के साथ मैच होगा जिससे कि एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म होगा उसे बच्चों को समझते हुए मैच करना है जैसे यहाँ पर लिखा है पहला राज एंड रिया तो राज एंड रिया के साथ दिए गए नेक्स्ट कॉलम में बच्चों को यह ढूंढना है कि राज एंड रिया के साथ कौन सा इसमें से हाफ सेंटेंस मैच होगा जिससे कि ये कंप्लीट सेंटेंस बने तो इट विल बी राज एंड रिया आर स्किपिंग यहाँ ऑप्शन जो बी है इसे बच्चे को मैच करना है उसी तरह से नेक्स्ट है दे तो दे के साथ हम क्या यूज सो उस... so, दे के साथ कौन सा सेंटेंस कंप्लीट होगा दे हेल्प मी टू कैरी दीज चेयर्स तो इसे बच्चे को मैच करना है सेम वे नेक्स्ट है द पिकॉक द पिकॉक इज डांसिंग तो इसे मैच करेंगे उसी तरह से नेक्स्ट है सिया सो सिया इज टेकिंग टी सेम वे नेक्स्ट है लाइन अप

तो यहाँ पे थिन डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज होगा ही बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके बच्चों को ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं ब्लैंक्स में जैसे पहला है बिग सो बिग का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाता है स्मॉल तो यहाँ लिखना है स्मॉल सेम वे क्लीन ऑपोजिट वर्ड ऑफ क्लीन इज द टी सेम वे नेक्स्ट लॉन्ग लॉन्ग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा शॉर्ट उसी तरह से नेक्स्ट है एम टी एम टी का ऑपोजिट होता है फुल नेक्स्ट फैट फैट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा थिन नेक्स्ट स्लो स्लो का ऑपोजिट होता है फैस्ट उसी तरह से नेक्स्ट है हार्ड तो हार्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सॉफ्ट उसी तरह से ओल्ड ओल्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा यंग तो यहाँ लिखना है यंग ही इज द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द शॉर्ट पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट क्वेश्चनोज यहाँ पे बच्चों को एक स्टोरी दी गई है यानी कि एक स्मॉल पैसेज दिया गया है जिसे बच्चों को पढ़ना है और उससे रिलेटेड बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों को स्टोरी को पढ़ते हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो पहले हम स्टोरी देखते हैं यहाँ लिखा है पूजा वेंट ऑन अ पिकनिक विथ हर पेरेंट्स दे पैक्ड लॉट ऑफ फूड टू ईट they sat on a blanket under a tree it was a nice day puja had a great time तो बच्चे ने अगर एक बार स्टोरी से पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चन दिए गए हैं तो यहाँ लिखा है टिक द राइट आंसर यहाँ पे बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके हर एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन हैं जिसे बच्चों को पढ़ना है और जो ऑप्शन करेक्ट है उसे टिक करना है जैसे पहला क्वेश्चन है वॉट डिड पूजा हैव हर पेरेंट तो पहला ऑप्शन है अ पिकनिक एंड सेकेंड ऑप्शन इज अ विजिट टू अ जू सो वेर डिज द पूजा गोन विद पेरेंट अ पिकनिक सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन तो इसे बच्चे को टिक करना है उसी तरह से नेक्स्ट है व्हाट डिड दे टेक विद देम सो दे टेक टॉयज और फूड सो दे टुक फूड्स विद देम उसी तरह से नेक्स्ट है व्हाट डिड दे सिट ऑन वो किस पे बैठे थे अ ब्लैंकेट और अ चेयर्स सो दे सैट ऑन अ ब्लैंकेट उसी तरह से नेक्स्ट है पूजा हैड अ डैश टाइम सो बोरिंग और ग्रेट सो पूजा हैड अ ग्रेट टाइम तो यहाँ ब्लैंक दिया है तो यहाँ लिखना है ग्रेट और ग्रेट के ऑप्शन को टिक करना है तो so, इस तरह से बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन बच्चों को पढ़ाया जाता है क्लास वन में उससे रिलेटेड बच्चों को एक शॉर्ट पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर तो इस तरह से भी बच्चों को आप प्रैक्टिस करा सकते हैं दैट्स ऑल फॉर इस वीडियो फ्रेंड्स आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये इंग्लिश की हाफ एयरली सैंपल पेपर बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी अगर आपके बच्चों के लिए यह हेल्पफुल रहा हो वर्कशीट या आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय